जय हिंद दोस्तों, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक और खबर लेकर आया हूं। देखिए, जितने भी ट्रेन में सफर करने वाले यात्री हैं, आजकल परेशान चल रहे हैं। जिनका टिकट कंफर्म है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग वेटिंग टिकट ले रखे हैं या जो लोग वेटिंग टिकट ले रहे हैं, अभी आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी और आग की तरह पूरे देश में ये खबर फैली थी कि आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले आपने देखा होगा कि रेलवे में क्या होता था कि आप वेटिंग टिकट लेते थे और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता था तो आप क्या करते थे, उसी वेटिंग टिकट को लेकर स्लीपर कोच में यात्रा कर लेते थे और कोई भी रिजर्वेशन बोगी में या फिर आप स्लीपर बोगी में आराम से यात्रा कर लेते थे। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होता था, भले ही आपको सीट नहीं मिलती थी लेकिन आप स्लीपर कोच में नीचे बैठकर यात्रा कर लेते थे। किसी भी सीट पर रात में आप एडजस्ट करके कहीं पर भी सो सकते थे। तो रेलवे में ये सिस्टम था। अब आपको बता दे कि ये जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है। और दोस्तों, ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट होती है वह टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेते थे और अब आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन यह कोई नई खबर नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, यह रेलवे अधिनियम में बहुत पहले से है, लेकिन इस नियम को लागू अब किया गया है और इस चीज को आपको समझना चाहिए और इस पर रेलवे के द्वारा पाबंदी अब लगाई गई है। लेकिन यह नियम पहले से था कि कोई भी ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। और पहले क्या होता था कि आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर कर सकते थे, लेकिन अब आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दे कि अब आप काउंटर से वेटिंग टिकट लेकर किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में सफर कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन वेटिंग टिकट की बात करें तो ऑनलाइन वेटिंग टिकट डायरेक्ट रिजेक्ट ही हो जाता है, लेकिन अगर आप काउंटर से वेटिंग टिकट ले रहे हैं तो उस टिकट को लेकर आप रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में सफर कर सकते हैं और आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर सेकेंड श्रेणी के बोगी में यात्रा कर सकते हैं और आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं, भले ही वह टिकट स्लीपर कोच का वेटिंग टिकट क्यों ना हो। अब इसमें नया अपडेट किया है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये कोई नया अपडेट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने वेटिंग टिकट लिया है, चाहे वह ऑनलाइन वेटिंग टिकट हो चाहे वह काउंटर से लिया गया वेटिंग टिकट हो, अब देखिए होता क्या है कि जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट आप लेते हैं, जैसे कि वह ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और जब ट्रेन का चार्ट बनता है, ट्रेन के खुलने से 4 घंटे पहले ट्रेन का चार्ट बनता है और जब आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो क्या होता है कि वह ऑनलाइन वेटिंग टिकट आपका कैंसिल हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं उस ऑनलाइन वेटिंग टिकट को लेकर। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले जिसका घर दूर होता है, वह व्यक्ति घर से निकल चुका होता है और ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार होकर अपने घर से निकल चुका होता है। और आपको बता दे कि कोई कोई व्यक्ति तो स्टेशन पहुंचने वाला होता है, तब 4 घंटे पहले उसको मैसेज आता है और पता चलता है कि उसका जो वेटिंग टिकट है वह कंफर्म नहीं हुआ है और ना ही उसका टिकट आरएसी में है, उसका ऑनलाइन टिकट कैंसिल हो गया है। अब उस व्यक्ति को रास्ते से ही वापस अपने घर जाना पड़ता है या फिर घर के ही आसपास उस व्यक्ति को तैयार होकर खड़ा रहना पड़ता है, इंतजार करता रहता है कि अब जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए, तब जाकर उसको मैसेज आता है कि उसका जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट है वह कंफर्म ही नहीं हुआ है। तो इसमें क्या है कि रेलवे को सुधार करना चाहिए, रेलवे को यह सुधार करना चाहिए कि कम से कम 24 घंटे पहले जिसका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को 24 घंटे पहले कम से कम मैसेज चला जाना चाहिए, मेल चला जाना चाहिए कि आपका जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट है वह कंफर्म नहीं हुआ है और आपका टिकट कैंसिल हो गया है और आपका पैसा भले ही 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद रिफंड हो जाएगा, लेकिन टिकट कैंसिल होने का मैसेज उसके पास 24 घंटे पहले चले जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति निश्चिंत हो जाए कि उसका टिकट कैंसिल हो गया है। और टिकट कैंसिल होने के बाद वह व्यक्ति कोई दूसरा साधन ढूंढे, या फिर वह व्यक्ति फ्लाइट से जाए या फिर वह व्यक्ति बस से जाए।
है जहां उस व्यक्ति को जाना है कोई दूसरा साधन या फिर वह व्यक्ति जनरल कोच में सफर करे, लेकिन उसको पता चल जाना चाहिए कि उसका जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट था वह कैंसिल हो चुका है, रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका है और उस व्यक्ति का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन होता क्या है कि 4 घंटे पहले उसे मैसेज आता है, अब 4 घंटे पहले मैसेज रेलवे के द्वारा भेजा जाता है और कभी कभी तो किसी व्यक्ति को 2 घंटे पहले मैसेज आता है और तब जाकर पता चलता है कि उसका टिकट कैंसिल हो गया है और वह व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच चुका होता है। अब उसका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है, अब टिकट कैंसिल हो गया तो अब वह व्यक्ति क्या करेगा, तो सीधा ट्रेन में चढ़ जाता है और टीटीई को फाइन देकर ट्रेन में यात्रा करता है, क्योंकि आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति चालान कटवाकर रिजर्वेशन कोच में घुस जाता है और अगर उसे इस चीज की जानकारी नहीं है कि वेटिंग टिकट पर फाइन लग रहा है तो उस व्यक्ति को फाइन भी भरना पड़ता है, मतलब कि उस व्यक्ति को डबल पैसा देना पड़ता है। और दोस्तों मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जनरल कोच में सफर करने के लिए स्टेशन पहुंच चुका है और जनरल कोच में सफर करने के लिए जनरल टिकट लेता है, जनरल कोच में यात्रा करने के लिए अगर कोई फैमिली के साथ 5 लोग है, 6 लोग है, महिला है, बच्चे है, सभी लोग जनरल कोच में सफर नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ट्रेन में जनरल कोच की ऐसी हालत है, किसी भी ट्रेन का जनरल कोच में इतना बुरा हाल है कि लोग मजबूर होकर ट्रेन के बाथरूम में सफर कर रहे हैं, उसी में खाना खाकर यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन के गेट के पास लटक कर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, रेलवे को क्या करना चाहिए, भले ही जनरल कोच बोगी है लेकिन उसका लिमिट भी होना चाहिए। जनरल कोच में जितना सीट है उतना ही टिकट काटना चाहिए, उसके अलावा ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि जनरल कोच में सफर करने वाले लोग आराम से ट्रेन में यात्रा कर सके। और अगर बात करें ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या की तो 3-4 जनरल कोच हर ट्रेन में लगाए जा रहे हैं और लंबी दूरी वाली ट्रेनों में सिर्फ 3 ही जनरल कोच लगाए जाते हैं। और जनरल कोच में एक सीट पर 3 लोग के बदले 5 लोग बैठकर सफर कर सकते हैं, उसी के हिसाब से 50 लोग का और एक्स्ट्रा टिकट काट देते हैं। लेकिन यह अनलिमिटेड टिकट जनरल बोगी का 2 या 3 बोगी ही होता है हर ट्रेन में जनरल का, और उसके लिए अनलिमिटेड टिकट काटना लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं मजबूरी में, जिसको जाना है वो लोग ट्रेन में यात्रा करेंगे ही, चाहे ट्रेन में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो जाए। तो रेलवे से अपील है कि, और आप लोग भी अपील कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कि जो टिकट कैंसिल होता है, जिसका ऑनलाइन वेटिंग टिकट है या फिर जिन्होंने ऑनलाइन वेटिंग टिकट ले रखा है, अगर उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसको 24 घंटे पहले उनको मैसेज के द्वारा बता देना चाहिए ताकि त्योहारों के समय में उन्हें इस तरह का धक्का नहीं खाना पड़े। 24 घंटे पहले अगर उनके पास मैसेज चला जाएगा तो लोगों के पास बहुत सारे साधन है, वह बस से अपने घर जा सकते हैं और बस से लोग जाते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं या कोई दूसरा साधन उपयोग कर सकते हैं, या फिर नहीं जाएंगे क्या करना है वह सोचेंगे। लेकिन अगर उन्हें 24 घंटे पहले बता दिया जाएगा कि आपका ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया है तो बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पहले उन्हें मैसेज आता है कि आपका ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया है, लास्ट में वह व्यक्ति जनरल कोच में सफर करता है, जनरल कोच का टिकट कटवाकर भीड़ में धक्के खाते हुए बाथरूम में बैठकर वह व्यक्ति ट्रेन के जनरल कोच में सफर करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप मेरी बातों से सहमत है? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।